हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हृदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपनी सीरीज में बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 2 में हमने अभी तक ब्रिटेन का संविधान के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, उसको अच्छे से समझा। इसके बाद में हमने अमेरिका के संविधान को स्टार्ट हम कर चुके हैं, इसके ऊपर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पिछली बार डिस्कस किया था अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे इसमें अमेरिकी संविधान, यानी कि कहें कि अमेरिकी कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में हम समग्र अच्छे से आगे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो अब ये कंसेप्ट आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि हम इस बारे में या कहें कि इससे संबंधित हम पहले भी ब्रिटेन के संविधान में लगभग पढ़ चुके हैं, और लगभग लगभग अब जो आगे जो भी कार्यपालिका हो या विधायिका या न्यायपालिका, सभी परिप्रेक्ष्य में लगभग एक जैसा ही फॉर्मेट आने वाला है, ठीक है। बस कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। उस डिफरेंस में आपको कहीं देखने को मिलेगा कि जैसे कहीं पर संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि वहां पर संसद प्रमुख होती है, संसद अर्थात की प्रधानमंत्री, ठीक है। कहीं पर अत्याचारात्मक शासन प्रणाली है जिस प्रकार से अमेरिका में, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, वरना अगर हम बात करें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो तीन स्तंभ होते हैं किसी भी सरकार के, किसी भी प्रशासन के, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। लगभग लगभग उनमें कहीं ना कहीं समानता आपको देखने को मिल जाएगी, बस थोड़ी बहुत शक्तियों का जो पावर होती है उसका थोड़ा बहुत हेर फेर रहता है, थोड़ी बहुत कम या ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए हम इस सीरीज में अगर आगे बढ़ते दोस्तों, अगर लास्ट क्लास में जब हमने विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रिसोर्ट रिविजन लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा एक रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने से पूरा हमें याद हो जाएगा और हमारी सीरीज आगे कंटिन्यूसली इस प्रकार बढ़ेगी कि कुछ भी समझने में हमें तकलीफ नहीं आएगी। चलिए तो उसी सीरीज में हम आगे देख लेते हैं कि इसमें हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। दोस्तों, हमने जिस प्रकार इसमें विशेषताओं की बात की थी, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। विशेषताओं में हमने देखा था, एक सेकेंड, विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों, उस विशेषताओं में विशेषताओं के हमने देखा इसमें, संविधान की विशेषताएं, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इस विशेषताओं में हमने देखा था दोस्तों कि इसमें लिखित संविधान, अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान अर्थात जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रिटेन के संविधान के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि ब्रिटेन का जो संविधान होता है वो अलिखित संविधान होता है, जिनसे जैसे वहां कोई कानून आता है वैसे वैसे उस वो संविधान ऑटोमेटिकली वो लिखा चला जाता है, अर्थात कि उसका फॉर्मेट बड़ा होता चला जाता है, यानी कि पहले से कोई लिखा हुआ फॉर्मेट ब्रिटेन के पास में नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार उसका संविधान लिखा था जाता है, यानी कि कह सकते हैं हम कि अब ब्रिटेन का संविधान जो है आज तक डेवलप हो रहा है, लिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन जो लिखित संविधान होते हैं, जैसे भारत का संविधान मान लीजिए आप, या कहें कि अमेरिका का संविधान, दोस्तों ये लिखित संविधान है, ये पहले से ही एक फॉर्मेट के रूप में बना दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं। अब जो भी सरकार, चाहे कोई सी सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी वो संविधान के अंदर ही कार्य करेगी, संविधान के अनुसार ही अपने शक्तियों का प्रयोग करेगी। उसी प्रकार से अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है, और जिस प्रकार से हमने इसकी विशेषताओं में देखा था, कुछ बातें मैं आपको बता दूं वापस से कि अमेरिका का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में हमारे सामने आया था। अर्थात कि अमेरिका जब 1776 में जब आजाद हुआ, उसके बाद में पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कोई लिखित संविधान लेकर आया है तो वो कौन लेकर आया दोस्तों, वो जो आपका अमेरिका ही लेकर है, क्योंकि अमेरिका का संविधान ही सबसे पुराना लिखित संविधान है और साथ ही साथ सबसे छोटा संविधान भी है, ठीक है। ये संविधान एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करता है, अर्थात यहाँ पर इस संविधान के अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली तो है, परंतु यहाँ पर प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पास मेन पावर होती है, उस प्रकार से अमेरिका के संविधान में, अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि सारी शक्तियां जो होती है पूरी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो एक हमने देखा कि लिखित संविधान,
उसके बाद में हमने देखा था कि इसमें प्रभु सत्ता में विश्वास, प्रभु सत्ता यानी कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि प्रभु सत्ता की मेन जो पावर होती है, जो मेन पावर होती है वो जनता के ही हाथ में होती है। वैसे कहने के लिए सैद्धांतिक रूप से कहें या व्यवहारिक रूप से कहें, शासन की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, परंतु लोकतंत्र जो है अमेरिका का, लोकतंत्र जनता के लिए है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार उसको चलाती है। इसलिए जनता जो मेन पावर होती है, जो संविधान को जहां से शक्तियां मिलती है, वो शक्तियां जनता में निहित होती है। ठीक है, या विश्व का कोई भी लोकतंत्र होगा, हर एक किसी भी लोकतंत्र सरकार हो, कोई सा लोकतंत्र देश होगा, उस हर एक लोकतंत्र सरकार में जो शक्तियां है वो जनता में ही निहित होती है, अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। और कोई भी संविधान का कोई भी अनुच्छेद होगा या चाहे कोई सा भी आर्टिकल होगा, कहीं से भी अगर उसको शक्तियां मिल रही है, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, या कहें कि सरकार में कोई अन्य पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो किसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो वो संविधान के अंतर्गत है। और संविधान में शक्तियों का जो सोर्सेस है वो जनता होती है, डायरेक्टली जनता होती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। इसके बाद हमने बात की थी संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों इन देशों में, जिन देशों में लोकतंत्र होता है, ठीक है, वो हम लोकतंत्र की चलो बात करते हैं, साथ ही साथ में लोकतंत्र अर्थात कि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है, इसी प्रकार से इस संविधान, मतलब यहाँ पर सर्वोच्च जो होगा वो संविधान ही होगा, संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। और ये बात हमने ब्रिटेन के संविधान में देखने को ये चीज नहीं मिली थी। नोट करना दोस्तों, इन चीजों को मिक्स मत कर देना, क्योंकि हमारा ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये संविधानों का ही है। इसमें लगभग 5 से 6 देशों का हम संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान लगभग सबके एक जैसे हैं, परंतु कुछ कुछ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अंत में जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वहां दोस्तों एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अमेरिका की कोई पॉइंट होता है, अमेरिकी संविधान का कोई पॉइंट होता है तो हम ब्रिटेन में डाल देते हैं, ब्रिटेन के संविधान का कोई पॉइंट होगा स्विट्जरलैंड में डाल देंगे, स्विट्जरलैंड का होगा इंडिया में डाल देंगे, चीन में डाल देंगे, पाकिस्तान। इस प्रकार से बस इस बारी की चीजें होती है, इनका ध्यान रखना। अमेरिका के संविधान की सबसे मेन विशेषता लिखित संविधान, पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, दूसरी बात सबसे संक्षिप्त संविधान, ठीक है, तीसरी बात इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। मेरे ख्याल से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब वो नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको एक अलग से वीडियो बनाकर, एक छोटा सा शॉर्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाकर मैं आपको समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता अर्थात की संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट हमने देखा था कठोर संविधान। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर संविधान है। जैसे हमारे भारत की अगर हम तुलना करें, भारत या ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन का संविधान बहुत ज्यादा लचीला है। लचीला क्यों है? क्योंकि वहां पर हर दिन प्रतिदिन, या कहें कि जैसे जैसे कोई अधिनियम आता है या कोई भी नियम उपनियम संसद एक्सेप्ट करती है, लागू करती है, तो वही नियम उस संविधान में जुड़ जाता है, संविधान का विस्तार हो जाता है। इस कारण से वहां का संविधान बहुत ही लचीला संविधान है, अर्थात उसका संशोधन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिखित संविधान होने के साथ ही साथ में इसकी एक और विशेषता है, कुछ आलोचकों ने इसको अमेरिका के संविधान की कमी भी बताया है कि अमेरिका के संविधान की सबसे बड़ी कमी है कि ये कठोर संविधान है, इसमें संशोधन इतनी आसानी से नहीं होते हैं और इसी कारण से कोई नए नियम या उपनियम इसमें लाना जो है ज्यादा प्रखर नहीं हो पाता है, ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से शासन प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जब भी संविधान सभा बैठती है तो संविधान सभा बहुत ही तार्किक होती है और बहुत आगे तक का सोचने के बाद ही वो संविधान का निर्माण करती है। कहीं ना कहीं अमेरिका की परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिस कारण से उन्हें एक संक्षिप्त और लिखित को कठोरता के साथ में ऐसा संविधान लाना पड़ा उनको। ठीक है, वो किस प्रकार से संविधान आगे बढ़ेगा, परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से देश आगे चलेगा, कौन इसमें नियम जोड़ेगा, कौन नहीं जोड़ेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, वो सारी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत रहती है। ठीक है, तो हम वैसे हमारा मुद्दा यहाँ आलोचना का नहीं है, हम बात कर रहे थे कठोर संविधान की। तो अमेरिका का संविधान इतना कठोर है कि उसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही परिणाम है कि अभी तक अमेरिका के संविधान में बहुत ही कम संशोधन हुए। दोस्तों लगभग जितने संशोधन हम एक साल में कर देते हैं उतने संशोधन टोटल अमेरिका में अभी तक हुए ही मान लीजिए। हमारे भारत के संविधान में अभी तक लगभग 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के संविधान में अभी 20 भी कंप्लीट नहीं हुआ।
ठीक है, या 20 हो भी चुके हैं, अगर पीछे एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग इतने हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम हो पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कठोर प्रवृत्ति का संविधान है। कोई भी संविधान दो ही प्रवृत्ति का होता है, कठोर या लचीला, या फिर जैसे भारत का संविधान दोनों कठोर भी और लचीला भी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी अध्यक्ष आत्मशासन प्रणाली। इसको आप समझाने की आवश्यकता ही नहीं, इसको बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि अध्यक्ष आत्मशासन प्रणाली क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली अर्थात जिसमें प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री के पास प्रमुख शक्तियां होती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो जिसमें राष्ट्रपति के पास में प्रमुख शक्तियां होती है। बात नेक्स्ट हमने देखा था संघात्मक शासन प्रणाली की। अमेरिका का संविधान जो है संघात्मक शासन प्रणाली को साथ में लेकर चलने वाला संविधान है। यहां पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, क्लियर है ना। संघात्मक जैसे मैंने आपको लास्ट में जब शुरू में ब्रिटेन का संविधान चालू किया था दोस्तों, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि संविधान संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। ये मैं आपको अच्छे से बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखे वो क्लास तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप सीरीज पूरी कंटिन्यूअसली देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं छूटेगा, सब क्लियर होता चला जाएगा। और मैं विश्वास आपको बार बार बोल के बोलता हूँ कि इसमें आपको कुछ भी ज्यादा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंटिन्यूअसली वीडियो को फॉलो कीजिए, अच्छे से देखिए। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर यह स्पीड ज्यादा हो पा रही है या ज्यादा डिटेल हो रहा है ना, उस हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा मेंटेन करने का की भी कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें इतनी बारीकी से पूरे डिटेल के साथ में आपकी क्लास लेके चल रहा हूँ, इसमें कहीं से कहीं तक और कोई सा डाटा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, और उसके देखने के बाद में जो भी बुक आपके पास में एनी बार जो भी बुक है या 20 सीरीज कुछ भी है, चाहे पतली सी कुछ भी होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से देखने के समझने के बाद में और एक बार सीरीज कोई सीरीज जो भी आपके पास में है या बुक है, एक बार सिर्फ एक बार पढ़ना है, उस पढ़ने के बाद में आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हम फिर देखा था शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण भी समझाने को मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं, बताने की जरूरत नहीं है कि शक्तियों का पृथक्करण क्या होता है। किसी भी संविधान के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां अलग अलग हो। इसी परिप्रेक्ष्य में एक तरह से और शक्तियों का पृथक्करण देखा जाता है केंद्र और राज्य और क्षेत्रीय प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन ये चीज ये कहें कि ये जो शक्तियों का बंटवारा है ये सब जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वहां देखने को मिलेगा जहां पर प्रशासन के मतलब अर्थात कहने का मतलब ये है कि शक्तियों का पृथक्करण उसी स्टेज के हिसाब से देखने को मिलेगा जिस देश में कि उसके शासन का जो स्तर है वो कितने स्तर पर है। जैसे एग्जांपल ये समझिए कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में दोस्तों कोई राज्य नहीं है, सिर्फ एक तरह से सरकार चलती है, केंद्र सरकार के रूप में चलती है, वहां कोई राज्य नहीं है, ना कोई क्षेत्रीय प्रशासन है, ना कोई राज्य प्रशासन है, केंद्र ही पूरे देश का प्रशासन संभालती है। तो वहां के लिए उचित भी है क्योंकि वो एक छोटा सा देश है, कोई इतना बड़ा देश नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, आराम से वो चला सकते हैं। लेकिन जब यही बात करेंगे हम कि अमेरिका के साथ में या रूस, चाइना, इंडिया, ये दोस्तों बड़े बड़े देश हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इन देशों में इस प्रकार का प्रशासन संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से चला सकते। इसलिए यहाँ का प्रशासन दो या तीन स्तर पर बांट दिया जाता है। दो तीन स्तर कौन कौन से होते हैं, एक सबसे टॉप में होता है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र होती है, फिर राज्य होते हैं, और फिर लास्ट में जो है स्थानीय सरकार। केंद्र अर्थात केंद्र सरकार आप अच्छे समझते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जब बात करते हैं राज्य सरकार की तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, ठीक है, और जब स्थानीय सरकार अगर ग्रामीण है तो पंचायत, ठीक है, और शहरी है तो नगर निगम या नगर पालिका। मेरे ख्याल से ये तीनों स्तर आपको सरकार के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो तीनों जो स्तर है, तीनों स्तर पर या दो स्तर है, दोनों या तीनों स्तर पर, दोनों तीनों मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी देश में जैसे कि अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका में सिर्फ दो ही स्तर है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इंडिया की जब बात करेंगे तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो तीन तीन इसमें स्तर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि जिस देश के पास में लिखित संविधान होगा वहां शक्तियों का विभाजन स्पष्ट होगा। अरे भाई, जिस संविधान में
जिस संविधान में, या मान लीजिए संविधान लिखा हुआ है, कोई बुक आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन की लिखी हुई क्लियर रखी हुई कि भैया कि इस मामले में आपके पास इतने अधिकार है और इस मामले में आपके पास इतने अधिकार है और मेरे पास इतने अधिकार रहेंगे, तो आगे से झगड़ा होना ही होगा, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जहाँ अलिखित संविधान हो उस शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से लिखित में तो कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से अमेरिका के संविधान में लिखित संविधान होने के साथ ही यहाँ पर इसमें सभी शक्तियां, राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियां स्पष्ट कर दी गई है कि आपके पास में ये शक्ति इतनी शक्तियां रहेगी, यानी कि राज्य सूची और केंद्र सूची। दोस्तों सूची के बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझने प्रॉब्लम आएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है। राज्य सूची में राज्य को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो लिखा होता है, और केंद्र सूची में वो अधिकार लिखे होते हैं जो केंद्र के पास होते हैं। बस इतना, बस इतना फेंकना, ठीक है। तो इस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो दोस्तों ये सभी विशेषताएं हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 11 है, उसको आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से अमेरिकी कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। अमेरिका कार्यपालिका, दोस्तों क्या है इस अमेरिकी कार्यपालिका में? किसी भी सरकार के 3 स्तर होते हैं। आप अब तक तो ये बात आपको रटा चुकी होगी, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। सबसे टॉप पे कौन होता है? न्यायपालिका, ठीक है। कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा, किसी भी देश, चाहे कोई सा भी लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें संविधान है, वहां पर सबसे टॉप में जहां लिखित संविधान संविधान है, जहां लोकतंत्र है, वहां सबसे टॉप में न्यायपालिका होगा, कार्यपालिका और विधायिका। तीनों के कार्यों से भी आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे, तीनों क्या क्या कार्य करते हैं। न्यायपालिका का क्या कार्य क्या होता है, न्याय करना, मतलब कि शॉर्ट में समझा देता हूं मैं। विधायिका, जो विधायिका होती है, किसी भी देश की विधायिका होती है, वो क्या करेगी? कानून बनाएगी, ठीक है। उसके बाद में कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी, और वो कानून अगर जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो उन कानूनों से जनता की जो सुरक्षा करता है वो न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम तीनों स्तर इसके समझते हैं, और तीनों स्तरों के बारे में हम आगे इस पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को कौन सी शक्तियां प्राप्त है, कार्यपालिका किसके अंडर में है, और विधायिका किसके अंडर में है। कहने का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पर जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तो लगभग ये सारी सुविधाएं या कहें कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही लगभग निहित होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति का पद और निर्वाचन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति क्यों, राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ के जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, तो इसलिए राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों इसमें डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हमने ब्रिटेन के संविधान में सबसे ज्यादा संसद पर दबाव डाला, दबाव बनाया था, यानी कि संसद पे ज्यादा फोर्स किया था, संसद को समझा था, उसी प्रकार से अमेरिका के संविधान को पढ़ते वक्त हम अमेरिका के संविधान में सबसे ज्यादा अगर चर्चा करेंगे तो राष्ट्रपति की पावर के बारे में, राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार की शक्तियां उसके पास है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, या सभी कुछ ही राष्ट्रपति किस प्रकार हटाया जाना चाहिए, तो ये सारी बातें हम समग्र इसी लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति पद और निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के पद की स्थिति क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति अमेरिका संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, पूरे कार्यपालिका का प्रमुख होता है, न्यायपालिका का प्रमुख होने के साथ साथ में पूरी जो विधायिका शक्तियां होती है वो भी सबके सभी राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। इसी कारण से राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बहुत प्रमुख पद हो जाता है। तो इस प्रमुख पद के साथ ही इसकी पद की स्थिति क्या होनी चाहिए कि ये अमेरिका के संविधान, ये कहें कि अमेरिका का सबसे वास्तविक स्वामी अगर कहें कि शक्तियों का, तो राष्ट्रपति ही होता है। सरकार और राज्य, सरकार में प्रशासन की बात कर रहा हूँ, या राज्य की बात कर रहा हूँ कि पूरे जो राज्य क्षेत्र है अमेरिका का, उस राज्य क्षेत्र की बात करूँ तो प्रशासन और राज्य दोनों पे जो कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है। और क्यों होता है इसका कंट्रोल? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का पद ही है, जो कि सारी शक्तियों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की योग्यता।
अच्छा, तो बात यह कि जब राष्ट्रपति का प्रमुख है तो वो उसकी कुछ योग्यताएं भी होना चाहिए, कि कौन कौन सी योग्यता किसी व्यक्ति में होगी जिसके बाद ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे भारत के संविधान के अंदर कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसकी 25 साल उम्र होना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर राज्यसभा में इलेक्ट होके जाना है तो उसके लिए भी या सॉरी इलेक्ट होके जाना है तो उसके लिए उन्हें 30 वर्ष की आयु की आवश्यकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और भी बहुत सारी जो है कुछ कंडीशन रखी जाती है कि ये सारी कंडीशन जब फॉलो करेगा कोई व्यक्ति तो ही हमारे भारत में वो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो इसी प्रकार की कुछ योग्यताएं अमेरिका के संविधान में भी स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर ये योग्यता अगर किसी व्यक्ति के पास में है तो वो अमेरिका के यानी कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र सबसे बड़े शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति यानी कि पूरे विश्व का एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। शक्तिशाली कहना बिल्कुल उचित है क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो यूएसए है, और यूएसए का राष्ट्रपति यानी कि पूरे विश्व का राष्ट्रपति हम उसको बिल्कुल कहने से इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी शक्ति रहती है। ठीक है, तो इनकी जो योग्यता होती है दोस्तों कि सबसे पहली सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अमेरिका का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। लगभग ये विश्व के सभी देशों में जब भी किसी भी देश के संविधान की बात आएगी किसी भी देश की बात आएगी तो वहां पर हम ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि चाहे देश कोई सा भी हो उस देश में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि वो उस व्यक्ति जो भी व्यक्ति चुनाव के लिए इलेक्ट होने वाला है चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनने वाला हो वो उस देश का नागरिक होना आवश्यक है। ये कंडीशन लगभग मैं फिर लगभग लगा रहा हूँ लगभग सभी यानी कि 99% कंट्री में यही जो है कंडीशन होती है चुनाव लड़ने के लिए। एक तो बाय चांस कोई नहीं भी होगी तो कुछ कह नहीं सकते बाकी लगभग होती है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहली कंडीशन थी वो अमेरिका का निवासी हो। दूसरी कंडीशन है कि चुनाव लड़ने के लिए किसका राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, उसे पिछले 14 वर्षों से वो अमेरिका में निवास कर रहा हो। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका की नागरिकता उसने कैसे भी ली हो पर कम से कम वो 14 सालों से कंटिन्यूअसली अमेरिका में हो, है ना, उसके बाद ही वो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, कार्यकाल क्या होता हुआ इसका? दोस्तों कार्यकाल सिंपल है, बस इतना सा याद रखिए जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 वर्षों का होता है। ठीक है, 4 वर्षों का होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ थोड़ा सा अटका देता है जैसे कि ऑब्जेक्टिव कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव के बाद या जो भी है कि चुनाव के बाद ये राष्ट्रपति के डायरेक्ट पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का समय कब शुरू होता है, राष्ट्रपति का समय का जो कार्यकाल का जो समय होता है 4 वर्ष का वो शुरू कब होता है। तो ऑब्जेक्ट में डाल देंगे चुनाव होते ही, ठीक है, या कि पुराने राष्ट्रपति के पद छोड़ते ही, या तीसरा राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करते ही, या जो सदन है उनका जो मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल की पहली बैठक से। तो उसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव लड़के आए उनकी घोषणा जीत की घोषणा हुई घोषणा होने के बाद जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं उसी दिन से उनके दिनों की 4 वर्षों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, एक पुनर्निर्वाचन का भी एक इसमें मुद्दा रहता है। दोस्तों निर्वाचन किस पर कितने बार, जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर भारत के हम चुनाव की बात करें, भारत में लोकसभा हो या राज्यसभा, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, कोई सा भी हमारे पॉलिटिशियन में कोई सा भी पद हो, उस सारे पदों पर कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़कर आ सकता है। या कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हो या आप एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हो या एक बार राष्ट्रपति बन सकते हो, जितनी बार भी वो जीत कर आए उतने बार वो पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई एक व्यक्ति सिर्फ अधिकतम 2 बार ही यानी कि 2 शासनकाल तक 2 बार ही वो वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात कैसे कहें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, 2 बार चुनकर आ सकता है ना। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1947 में ये संशोधन हुआ था 1947 में, और ये 22वां संशोधन था।
अमेरिका के संविधान का ये 22वां संशोधन था। अब सोचिए 1947 तक 22 संशोधन हुए टोटल, कुल कितने 1947 तक 22 संशोधन हुए, जबकि कहाँ कितना मतलब काफी साल इस अमेरिका को आजाद हुए हो चुके थे, काफी पुराना संविधान हो चुका था उसके बाद भी, मतलब बहुत धीरे ही इसके जो संशोधन होते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की, हमने परिस्थिति के बारे में बात कर ली, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में हमने बात कर लिया, राष्ट्रपति चुन के कैसे आता है ये बात कर लिया, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए ये भी देख लिया हमने, उसके निर्वाचन की स्थिति कितनी होती है कि हमने दो बार देखा है कि दो कार्यकाल वो ले सकता है, दो बार चुनाव लड़के आ सकता है। अच्छा, इसी के साथ में अब ये जो चीज, ये जो मेन पॉइंट आता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वर्षों के अंदर हटाया जा सकता है, क्योंकि जो कोई भी नेता होता है, कोई भी प्रशासक होता है, अगर जनता के माध्यम से चुनकर आता है ना, तो उसको इतनी आसानी से हटाना संभव नहीं है। ठीक है, उसको बहुत ही मुश्किल से मतलब कि कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर अमेरिका के संविधान, सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति की जब बात करते हैं, तो उनको भी हटाया तो जा सकता है, परंतु वो प्रोसेस बहुत ही कठोर होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही उसको राष्ट्रपति को उसके समय से पहले उस पद से हटाया जा सकता है। तो वो समय कंडीशन क्या है, वो कंडीशन एक बार आप देख लीजिए कि बस 2-3 चीजें इसमें याद रखने की जरूरत है आपको। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को समय से पहले हटाना है तो कदाचार, देशद्रोह, याद रखिए कदाचार, देशद्रोह और कह सकते हैं कि रिश्वतखोर, रिश्वतखोरी के इल्जाम में, ये 2-3 कुछ कंडीशन होती है, इसके आधार पर, इन 3 कंडीशनों के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति को हटाना है, और अगर हमने देखा है कि राष्ट्रपति ने रिश्वत ली है, पकड़ा गए हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्होंने करते, कुछ ऐसा भाषण दे दिया या कुछ ऐसा कार्य किया है जो देश के हित में नहीं है, अर्थात कि देशद्रोह है ना, देशद्रोह का कानून पर लगाया जा सकता है। इसके साथ में उन्होंने कदाचार जैसी एक्टिविटी की है, तो ये 2-3 कुछ ऐसे स्तर होते हैं, उसका आधार होते हैं, जिन आधारों पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, है ना। अब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है दोस्तों, अब इसी में हमने देखा कि अमेरिका के संविधान में कांग्रेस होती है, कांग्रेस अर्थात संसद, ठीक है, संसद होती है, संसद में जिस प्रकार से हमारे यहाँ 2 सदन है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, इसी प्रकार से अमेरिका के संसद में भी, अमेरिका की कांग्रेस में भी, दोस्तों नाम याद रखिए, वैसे ना कांग्रेस मतलब ये कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारी कांग्रेस अर्थात संसद, वहां पर अमेरिका में वहां की संसद को ही कांग्रेस बोलते हैं, और उसको